नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सब अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात यही है, खुशखबरी है कि आपका रिज़ल्ट आ गया है। अब आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। स्कोर कार्ड के नाम से लिंक अवेलेबल है, आप अपना स्कोर देख सकते हैं, अपना रैंक देख सकते हैं, अपना नंबर देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये चीज़ हुई है अभी, और ये आज ही शाम को अभी जारी किया गया है। ये अभी के लिए ये न्यूज़ है। आगे क्या है तो देखिए, जैसा कि कहा गया था कि आपका रिज़ल्ट जुलाई के दूसरे सप्ताह में आ जाएगा, तो जुलाई के दूसरे सप्ताह से थोड़ा सा देर हुआ ज़रूर, लेकिन आ गया। आज 18 जुलाई है, तो इस हिसाब से अब आपके काउंसलिंग में भी थोड़ा सा देरी हुआ है। तो काउंसलिंग आपका अगर 4-5 दिन बाद भी शुरू होता है गाइडलाइन आने के बाद, और बहुत जल्दी शुरू होगी, तो उस हिसाब से आपका 22-23 जुलाई तक आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले भी स्टार्ट हो सकता है, तो आप मान के चलिए कि एक महीने ये प्रक्रिया चलेगी। लंबी प्रक्रिया चलती है, और एक महीने यानी 22-23 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो अभी के लिए आपको करना क्या है कि आपका अपना रिजल्ट चेक करना है, अपना स्कोर देखना है, रैंक देखना है, और अपने कॉलेज की लिस्ट बना लेनी है कि आपको काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा ब्रांच लेना है। साथ ही साथ आपको करना ये है कि अब आप अपने रैंक के हिसाब से ये चेक कर सकते हैं। आप यहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इतने रैंक पे ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल जाएगा कि नहीं। और ये वेबसाइट में काउंसलिंग के समय भी एक क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक वाली लिंक आती है, तो वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल के अभी अगर आप अपना रिज़ल्ट देख चुके हैं या फिर नहीं देखे तो पहले देख लीजिए, और देखने के बाद अपना रैंक यहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कॉलेज कितने रैंक तक मिल जाएगा। आपको इस बारे में यहाँ पे जानकारी बिल्कुल दी जाएगी, और भी एडमिशन से संबंधित जो कुछ भी प्रश्न मन में आ रहे हों। अब आपका जाहिर है कि काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी, तो उसमें कई सारे डाउट आते रहते हैं, तो उन सब से संबंधित जितने भी चीज़ें आपके मन में डाउट आ रही हों सब आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, और एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसकी जल्द ही लिस्ट आपको सामने आपको लिए आ जाएगी। तो अभी के लिए आपको इतना करना है कि आपको जाकर के अपना रिजल्ट देखना है, रिजल्ट देख के रैंक आपका चेक करके, और आप पता करना चाहिए कि आपकी जो डिजायर्ड कॉलेज है या फिर ब्रांच है वो मिल सकेगा या नहीं। और अगर मन में अब भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, बिल्कुल हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। दोस्ती बनी रहे, सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक्निक वाला।